हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपके चैनल पर भी रीयूज कंटेंट आ चुका है तो उसको कैसे रिजोल्व करना है, और अगर आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट का मैसेज आ चुका है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना है, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल समझाऊंगा और रीयूज कंटेंट क्या होता है, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे 7,882 सब्सक्राइबर हैं और उसके बाद यहाँ पर 2.7 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और जो वॉच टाइम है 20,000, हर महीने का 20,000 व्यूज़ आ रहा है। और अच्छा खासा मैं इस चैनल से अर्निंग कर रहा था, और मैंने इसमें गलती क्या की कि मेरा एक दूसरा चैनल है अमारा ब्लॉग्स, मैं इसको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और जो ब्लॉगिंग करता हूँ तो उसका जो शॉर्ट क्लिप होता है, मैं उसको शॉर्ट क्लिप को कन्वर्ट करता था, उस चैनल का वीडियो मैं लाके इस चैनल पे अपलोड करता था, शॉर्ट वीडियो अपलोड करता था जो कि मेरा खुद का ही वीडियो था, मैंने किसी और से वीडियो चुराए नहीं है ना किसी और का वीडियो डाला है। आज सुबह मैं सोकर उठा और मुझे आज एक मैसेज मिला कि आपका जो चैनल है वो रीयूज्ड के चक्कर में आपकी जो अर्निंग है उसको बंद कर दी गई है। यहाँ पर एक अर्न का टैब है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा, योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न। अब आपका जो चैनल है वो अर्न करने के लायक नहीं है, यहाँ पर ऐसा यूट्यूब ने बोला। आफ्टर रिव्यूइंग योर चैनल कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक सिस्टम ह्यूमन रिव्यू, कि ये जो है ह्यूमन रिव्यू द्वारा हम आपके चैनल को रिव्यू किया गया और आपके चैनल पर रीयूज कंटेंट आ रहा है। तो यहाँ पर एक है रीयूज कंटेंट, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि जो आपने क्लिप यूज किया है तो आप उसको रीचेक करो, उसको एडिट करो, उसमें वॉइस ओवर करो। अगर आपने वॉइस ओवर कर रखा है, ज़्यादा देर का आप किसी का कंटेंट यहाँ पर उठाकर डाल नहीं सकते। क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर इन्होंने लिखा है। अब इसको हम बैक करते हैं, यहाँ पर लिखा स्टार्ट अपील। स्टार्ट अपील में इन्होंने लिखा है कि अगर गलती से हमने, हो सकता है कि आपके चैनल को गलती से होल्ड कर रखा है, मिस्टेक कर दिया हमने, खुद यूट्यूब बोल रहा है, अगर हमने खुद मिस्टेक कर दिया है और आपको लगता है कि आप सही हो तो आप 14 दिन में यहाँ पर स्टार्ट अपील कर सकते हैं, आप इनको अपील भेज सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है नंबर टू का ऑप्शन, नंबर टू में इन्होंने लिखा है कि अगर हमारे द्वारा सब सही है और आप ही गलत हो तो आप दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो में चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सब कुछ डिलीट करने के बाद आप मार्च 4 को 2024 को दोबारा रीअप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि रीअप्लाई का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा, अब ये रीअप्लाई का ऑप्शन 4 मार्च 2024 के बाद ही आएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूट्यूब गलत है और यूट्यूब की तरफ से गलती हुआ है तो आप यहां पर स्टार्ट अपील कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार स्टार्ट अपील पर क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं। जब हमने स्टार्ट अपील पर क्लिक किया तो यहाँ पर कह रहे हैं यू बिलीव मेड ए मिस्टेक, अगर आपको लगता है कि YouTube ने गलती किया है तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है रिमेंबर, आपको याद रहना चाहिए, इफ़ यू डिलीटेड मोर देन 3 वीडियो, अगर आपको लगता है कि YouTube की वजह से गलती हुआ है और आपने 3 वीडियो डिलीट कर दिया गलती से, आपने सोचा कि मैंने ये 3 वीडियो अपलोड किया था, लाओ इसको डिलीट मार देते हैं और ये कह देते हैं कि ये यूट्यूब की गलती है, यूट्यूब की गलती की वजह से मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो बंद हुआ है, आपकी जो अर्निंग सोर्स है वो बंद हुई है, अगर आप 3 वीडियो डिलीट कर देते हो तो यूट्यूब क्या करेगा, आपके अपील को रिव्यू नहीं करेगा, आपके चैनल को हमेशा के लिए सस्पेंड कर देगा। वहीं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा है कि अगर ये सब नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से ही आपका चैनल सस्पेंड हुआ है, आपकी अर्निंग बंद हुई है, आपने कुछ गलत कंटेंट यूज किया है, किसी और का चोरी करके डाला है या फिर उसमें कोई एडिटिंग नहीं की है, तो आप उन सब को डिलीट कर सकते हो। और डिलीट करने के बाद आप फिर से 90 डेज के बाद यहाँ पर आपको रीअप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आप रीअप्लाई कर सकते हैं और उसको आप दोबारा रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। बाय चांस आप एडिटिंग नहीं करते हैं और आपने फिर से उसको बिना रिव्यू किए फिर से YouTube को भेज दिया, तो YouTube क्या करेगा, अगर आपकी गलती वो फिर से पकड़ लेगा तो आपके चैनल को हमेशा के लिए सस्पेंड कर देगा।
और यहाँ पर एक बात नोटिस करना है कि जब आप अपील कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक वीडियो बना के डालना पड़ेगा और यूट्यूब को बताना पड़ेगा वो जो लैंग्वेज, जो कि हिंदी इंग्लिश आप किसी भी जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उस लैंग्वेज में आप यूट्यूब को इस तरह से बताइए कि मैंने अपनी वीडियो को सारा चेक किया और ये गलती आप ही की वजह से हुई है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे द्वारा यहाँ पर पुट किया जो भी हमने वीडियो अपलोड किया था वो सब कुछ सही है। और ये आपको बना के अनलिस्ट में डालना है, अपलोड नहीं करना, आपको इस वीडियो को अनलिस्ट में अपलोड कर देना है। और अनलिस्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक URL है, वीडियो URL, आप अपना URL जो आपने वीडियो बनाया है उसको ला के यहाँ पर आपको डालना है और आपको सबमिट कर देना है। तो ये आप 14 दिन में कर सकते हैं, 14 दिन में करने के बाद आप YouTube को भेज सकते हैं। अगर आपकी द्वारा दी गई जानकारी सब सही है तो YouTube आपको रिव्यू करेगा और आपका मोनेटाइजेशन फिर से ऑन कर देगा। लेकिन अगर आपने गलती कर रखी है, जैसे कि इसमें मैंने खुद ने गलती कर रखी है, मेरा खुद का कॉन्टेंट था हमारा ब्लॉग्स चैनल का, वहाँ से मैंने छोटी छोटी क्लिप को यहाँ पर शॉर्ट्स बना के डाला था और डालने के बाद यहाँ पर अपलोड किया था, तो इसलिए मेरा रीयूज्ड हो गया। तो मैंने इस तरह से करीब 50 वीडियो डाले थे, अब वो 50ों के 50 मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में YouTube पे काम करना चाहते हैं तो कभी किसी और का वीडियो उठा के मत डालो। यहाँ पर तो मैंने खुद का अपना वीडियो डाला है, लेकिन अगर आप दूसरे की वीडियो डालते हैं तो आपका यहाँ पर पूरी तरह से मेहनत ख़राब हो जाएगा, आज नहीं तो कल आपका मेहनत ख़राब ही होना है और आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब मुझे 90 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और 90 दिन में मेरा इस चैनल से बहुत ज़्यादा लॉस होगा। 90 डेज़ में मान के चलो कि मेरे 50,000 रुपीज़ मैंने अपने लॉस कर दिए हैं। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आपको भी जानकारी हो सके और आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें। जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आप कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारा कुछ बता सकता हूं, क्योंकि मेरा एक दूसरा भी चैनल है और मैं इस चैनल पे भी काम कर रहा था, तो मुझे बहुत ही जानकारी है YouTube की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।